सुदर्शन अपनी आईडी दे जरा, चल तू भी निकाल। हाँ ले, आधार कार्ड नहीं आईडी। ओके ओके जल्दी दे। एचआर प्रोजेक्ट मैनेजर क्लाइंट का कोई पंगा नहीं चाहिए, जरा थूक तो इस पर। तुम भी ऐसे थूकना था। हाँ तुम भी थूको। आ गए जंगल सब कुशल मंगल। ये अब एंजॉय तुमने यहाँ किसी बाबा को तो नहीं देखा? हाँ यार, अभी देखा था मैंने। अरे चुप रहो, हमारी तरह कोई टूरिस्ट होगा, पानी के नीचे डुबकी लगा रहा होगा, तुम उसे बाबा समझ बैठी। टूरिस्ट नहीं है, उसके अजीब से बाल थे और पानी के अंदर साधना कर रहा था। तब तो उसके बाल चट्टानों में फंस गए होंगे, उन्हें छुड़ाने के चक्कर में बैठा हुआ होगा। इन जंगलों में कहाँ रहेगा वो? वो तुम्हें अलग सा लगा होगा। इन लड़कियों को लेकर हम इतनी दूर आए हैं ना, अब झेलना तो हमें पड़ेगा ही, ये तो जंगल में कुत्ता देखकर भी चौंक जाएंगी। वो देखो, वही कुत्ता। मैंने कहा था ना, ये देख चौंक गई। ए, तूने इसे देखा था क्या? हाँ यार, इनको ही देखा था, मुझे डर लग रहा है, चलना यार यहाँ से। इतनी दूर आ गए तो चल इंट्रोड्यूस भी करा दो। चलो माय गॉड, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? महादेव की आज्ञा। महादेव की आज्ञा? इनसे कहो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम इनकी बेकार बातों में नहीं आने वाले। ए, बेकार की बातें मत कर, कहीं श्राप दे दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे बम्पर ऑफर हमें नहीं चाहिए, हो सके तो अपने बाबा से वर दिलवाओ तब मानूंगा। बाबा, हम एक कंप्यूटर कंपनी में जॉब करते हैं, महीने की 60,000 सैलरी है, हाउसिंग लोन, कार इंश्योरेंस, पेट्रोल, रिचार्ज, इन सब में पूरी सैलरी खर्च हो जाती है बाबा थोड़ा। ओ कविता मैडम, कभी सुना है कि लड़कियां अपने पैसों से रिचार्ज करवाती है? भले ही ये जंगल में रहते हैं, कुछ भी बोलोगी मान लेंगे, ना जाने कितनों के रिफिल करवा कर बाबा जी यहाँ आकर बैठे होंगे। आप हमें करोड़पति बनने का कोई वर दीजिए ना बाबा, प्लीज बाबा। सिर्फ एक वर आप में से कोई भी एक मांग सकता है। ए, पहले मैं मांग लेती हूँ। पहले तू मांगेगी मतलब, बाद में आप लोग तो मत करो, डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैं ही मांग लेता हूँ। मैं गुंगा नहीं हूँ, रुको मैं मांगता हूँ।
ए झगड़ा मत करो, लेडीज फर्स्ट। ओए, अब इस लेडीज को अचानक कहाँ से ढूंढ कर लाए? वो तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी अपनी इच्छाएं मोबाइल में टाइप करके वहाँ रख देते हैं। स्वामी जी को खुद सिलेक्ट करने दो। ठीक है ना? ठीक है यार। ये तो गया। उसमें ऐसा क्या टाइप किया तूने? धूम धड़ाक। बताना यार। फोन के स्क्रेचेस के लिए स्क्रीन गार्ड। स्क्रीन गार्ड? टेंशन में आ गया ना? वेट एंड सी डूड्स। दशहरा के अगले दिन का न्यूज़पेपर मांगा मैंने। न्यूज़पेपर क्यों मांगा भाई? पतंग बनाकर उड़ाऊंगा ना। अरे भाई बताना। और नहीं तो क्या, दशहरा के दिन न्यूज़पेपर के ऑफिस में छुट्टी होती है, पेपर ही प्रिंट नहीं होता। प्रिंट ना होने पर पेपर कहाँ से लेकर आएगा? अपने हाथ चाहे जितना भी घुमा लो बाबा जी, जब पेपर ही नहीं छपता तो आएगा कहाँ से? चलो डेट देखते हैं। हाँ। 23 अक्टूबर 2015। तुमने जो मांगा था वही डेट है यार। मुझे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? ए यहाँ देखो ना, 4 महीने पहले बंद हो चुका सत्यम कंप्यूटर्स, रीओपन करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश। इसके हिसाब से तो कल ही शटडाउन है। डोंट बिलीव इट यार, तुमने कहा ना हम सत्यम कंप्यूटर में काम करते हैं, इसीलिए सत्यम लिखा है। अगर इंफोसिस लिखा होता तो वही होता। ऐसे केसेस मैंने बहुत देखे हैं। चलो अपना फोन ले लेते हैं हम, अगर कल सुबह ऑफिस नहीं गए तो हमें निकाल देंगे। चलो 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 जल्दी करो। इस पेपर में जो न्यूज छपी है वो सच नहीं होनी चाहिए। लगता है तुम यहाँ मंदिर बना के रहोगी। चलो यहाँ से। हे गाइस, वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। प्रेस्टीजियस सिलिकॉन वैली ऑनसाइट प्रोजेक्ट के लिए अपनी टीम नॉमिनेट हुई है। So, here are the team details. Kriti, it's me, the project manager. And Pujita. Hello, sir. Sir, I can't believe this. Excuse me. सत्वम कंप्यूटर्स टेम्पोररीली क्लोज्ड। सत्वम कंप्यूटर्स के सीईओ वेंकटपति राजू को आज सुबह अरेस्ट किया गया। उनके द्वारा चलाया जा रहा सत्वम कंप्यूटर्स आरबीआई के नियमों के खिलाफ उनके अकाउंट्स को ठीक से शो नहीं कर रहे थे, इसलिए उन पर केस बनाया गया है। वहाँ पर काम कर रहे 4000 एम्प्लॉयज की नौकरी एक सवाल बनकर रह गई है। ए, वो न्यूज़पेपर कहाँ है? Oh,
विजयादशमी के दूसरे दिन हमारा अखबार ही नहीं, कोई भी पेपर नहीं छपता, ये हर इंसान जानता है। तो आप नया क्या पूछ रहे हैं? मतलब शायद स्पेशल एडिशन होगा। स्पेशल एडिशन फिर जादू से छापना होगा। हाँ, उन्होंने तो ऐसे ही निकाला था सर। किसने? वो ना जब हम सेलिब्रेशन के लिए गए थे ना। हाँ बता दे, सब बक दे। मुंह बंद रखेगा क्या सर? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, उस दिन पेपर प्रिंट होता है या नहीं? पेपर स्टार्ट किए 65 साल हो गए, आज तक दशहरा के दिन पेपर प्रिंट ही नहीं किए हैं और ना भविष्य में कभी प्रिंट करेंगे। अरे लेबर्स को गिनी चुनी छुट्टी तो मिलती है, वो भी तुम लोगों को पसंद नहीं है क्या? पेपर में न्यूज तो देखो, प्योर कॉन्सिडेंस है ना। यहाँ देखो, एक बहुत बड़ा महाअद्भुत 4 महीने के गैप में दूसरी बार भारी बर्फीली बारिश हुई। पिछली बार 2 जून को दिन में 12 बजे की तरह परसों रात को भी 12 बजे भारी बारिश हुई है। इसमें ऐसा क्या है खास? आज की तारीख क्या है? 2 जून। तो टाइम क्या है? टाइम 12 बज रहे हैं। तो फिर बर्फ कहाँ है? बारिश भी तो नहीं है। अगर पेपर में छपी न्यूज ठीक है तो आज यहाँ बर्फ की बारिश होनी चाहिए, समझे? मतलब पेपर में जो न्यूज है वो गलत है। आई थिंक यू आर राइट। क्यों बे, जब बाबा फ्री में वरदान दे रहे थे तो तेरे पास मांगने के लिए 3.5 रुपए के पेपर के अलावा और कुछ नहीं था क्या? वाई अपसेट यार, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये 4 महीने के बाद आने वाला पेपर है, इसमें छपी हर न्यूज जरूर घटेगी, ये बात सिर्फ हम ही लोग जानते हैं। सो इस न्यूज को यूज करके कैश कर लेते हैं। नाइस आइडिया। हाँ देखा। हाँ देख कविता। अरे इसमें तो हम पांचों के नाम लिखे हैं। हम पांचों के नाम जरा दिखा। दिखा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में राजू ने जीत कर 5 करोड़ का इनाम जीत लिया है। BSNL में साधारण से पद पर काम कर रहे आनंद राव के बेटे राजू ने बताया कि उनकी जीत की वजह सुदर्शन, आनंद किशोर, पूजिता, कविता, ये पांचों लोग हैं, इसीलिए वो लोग इस जीत के हकदार हैं। ऐसा कहा? हम पांचों लोगों के नाम बताने वाला ये राजू कौन है? BSNL कॉलोनी नंबर 2 तो यही है ना। हेलो एक्सक्यूज मी, यहाँ आनंद राव जी का घर कौन सा है? वो देखो सामने जो दिखाई दे रहा है ना। अच्छा है। वो क्या? थैंक यू। भगवान, बचपन दिया लेकिन छीन लिया, जवानी दी वो भी छीन ली। बीबी को आप कहीं भूल तो नहीं गए, इसलिए याद दिला रहा हूं, इसे उठाने का वारे हो भगवान। इतनी जल्दी आ गए भगवान, खोलता हूँ। नमस्कार जी। नमस्ते। आनंद राव जी आप ही हैं ना? बिना आनंद का आनंद राव मैं ही हूँ। आप? आपके बेटे का नाम राजू है? बेटा राजू, इससे हुआ क्या? इससे हो या किसी और से हो, इससे हमें क्या? मेरा कोई भी बच्चा नहीं है भाई। तो मैडम जी का कोई? इससे खुद पूछ ले, तू मुंह तोड़ देगी तेरा। सॉरी, आपके जख्म को हरा करके हमने आपको दुखी किया। हम चलते हैं। अपनी टावल को कस के बांध लीजिएगा। अबे कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ। सुनिए ना, हम कहाँ रखे हैं? खा खा के मरेगी। मैं मेहनत करके आऊं और ये आराम से बैठकर खाता रहे। ए, हटो। टॉम एंड जेरी, ऊपर से इस उम्र में इसे स्पून फीडिंग चाहिए। राजू, क्या किया उसने? बॉक्सिंग। तुम्हारे साथ? वो बॉक्सर है ना सर। किसने कहा तुम्हें? हमें पता है आप राजू के फादर है ना। आप तो उधार मांगने आए हैं। नहीं सर। तब तो राजू मेरा ही बेटा है। वो बॉक्सर ही है ना? उसने बोला है तो गलत बोला है। काम क्या है? थोड़ा सा मिलना है सर। तो मिल लो। कहाँ मिलेंगे सर? पार्क पे, ओके, बीच पर, सिनेमा हॉल में, बस स्टैंड पर, कहीं भी मिल सकता है वो। बॉक्सिंग करेगा, बॉक्सिंग।
बॉक्सिंग मतलब हाथों में ग्लव्स पहनकर मुंह पर मुक्का मारते हैं वो ही ना। तब मतलब तुम बॉक्सर नहीं हो? अभी नहीं हो क्या यार? क्यों मैडम, दिखने में तो मक्खन जैसी दिख रही हो, रोज कितनी बियर पी लेती हो? क्या कहा? What do you mean? बियर मतलब क्या? पागल है क्या? तुम्हारे पास अकल नहीं है? पहली बैटिंग मेरी है, तू जा। ए, चल तू भी चल। चल, एक दूंगी ना। बेटा बुला रहे हैं वो। बेटा? ए, चलना। बेटा किसको बोला? चलना। तुम्हारा बेटा मत बोलना, समझ गया? बेटा बोला ना तो लेटा दूंगा। अरे चलना यार, तेरी माँ बुला रही है, चलना। आया बेटा बोलने वाला, कोई मुझे बेटा बोलता है ना तो बहुत कुछ छोड़, हम लोग यहाँ से चलते हैं। अरे हम ये मैच जीत तो जाएंगे ना, बैटिंग तो ले लिया हमने। टेंशन मत लो भाई, सब बच्चे ही तो हैं, ये मैच हम ही जीतेंगे। अरे बॉल ला रे। अरे यार बैट तो सीधा पकड़। अरे तू चल, बॉल डाल। तेरी वजह से बेइज्जती हो जाती है हर जगह, बच्चे भी छोड़ते नहीं है आजकल। अरे बाप रे, इसने तो छक्का मार दिया, भागो। बॉक्सिंग लीग अक्टूबर में ही होने वाला है, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं प्राइज मनी 5 करोड़ रुपए नहीं है, सिर्फ 3 लाख है। गुड मॉर्निंग एयर कोस्टा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बॉक्सिंग टूर्नामेंट के लिए आप लोग कोई स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं क्या? सॉरी सर, हमने क्रिकेट के अलावा किसी स्पोर्ट्स के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं की है। आगे ऐसे कोई आइडिया भी नहीं है। वो मतलब ऐसा था मैडम कि कुछ 4 महीने के बाद। तब पूछ लेना, बता दूंगी। वो क्या है कि मैडम, रख दिया, राजू बॉक्सर नहीं है। बॉक्सिंग मैच अक्टूबर में है कंफर्म। कैश रिवार्ड 5 करोड़, लगता है ये लोग उल्टा हमसे ही ना मांग ले। सुनो, एयर कोस्टा टूर्नामेंट स्पॉन्सर अगर दोबारा पूछेंगे तो गालियां देंगे, तो ये भी नो है। सो गाइस, ये सब देखकर डरिएगा मत, राजू जरूर जीतेगा, एयर कोस्टा आएगी, 5 करोड़ का स्पॉन्सर देगी, वो इसलिए क्योंकि पेपर में निकला है। बिल्कुल सही कहा, ये बात राजू को तो पता नहीं, सिर्फ हम ही जानते हैं, वो इसलिए क्योंकि पेपर में निकला है। फिर से सही जवाब दिया। तो राजू को बॉक्सर बनाना है। वो क्यों? बनाएंगे तभी तो जीतेगा 5 करोड़ का इनाम, जो हमें मिलेगा क्योंकि पेपर में निकला है ना। करेक्ट। बोलो ना, रुक क्यों गई? जैसे हमको पता नहीं है। एक बात तो बताओ, वहाँ जाकर मार खाने वाले को फेडरेशन 3 लाख दे रही है, नीचे बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीकर कमांड कमांड बोलने वाले को 5 करोड़, कोई भी आदमी इस डील के लिए राजी नहीं होगा। फिर ऐसा करते हैं, हम एक काम करते हैं, उसे हर महीने 50,000 देंगे, ऐसा कहते हैं, उसे कन्विंस करके बॉक्सिंग ट्रेनिंग का खर्चा, पर्सनल खर्चा सब हम देंगे, उसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, इसलिए मान जाएगा। पॉइंट तो है। ओके डन। सो अभी हम राजू से मिल रहे हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और अपना खेल शुरू करते हैं। ओके। अरे उन्होंने कुछ तो बोला था रे, कॉफी कॉस्टी या कॉस्टी कॉफी, वहाँ जाकर ढूंढ जरा, जाना। हाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अरे भैया, ये कॉस्टी कॉफी कहाँ है? कॉफी शॉप में। बाप रे, क्या जवाब दिया इसने। एक्सक्यूज मी, सुनिए। हेलो, पकड़ो ना। थैंक्स, दीजिए। कोई बात नहीं। गिव। तुमने मेरी आइसक्रीम खाई? अच्छा था ना इसलिए। मुझे नहीं पता, दूसरी खरीद कर दो, चलो मेरे साथ। लेकिन सुनो ना, मैंने तो एक ही खाई थी ना। आओ।
देखो मैं खुद बचने वाला इंसान हूँ, लेकिन आप खुद सामने से बुला रही हो। मैं ये सब नहीं जानती हूँ, मुझे दूसरी खरीद के दो बस। पैसे नहीं है ना। तो मैं क्या करूँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए बस। मेरा दोस्त नीचे है, उसे फोन करो, उसके पास पैसे हैं। क्यों, तुम नहीं कर सकते हो क्या? बैलेंस नहीं है ना, गरीब फैमिली है। बाप रे, बिलीव मी। ठीक है नंबर बताओ। 9848016184। रिंग जा रही है। उसे जेंट्स वॉइस से एलर्जी है, आप ही बात कर लीजिए ना। मिस्टर राजू की फ्रेंड हूँ ये कहना। हेलो, कौन? क्रेडिट कार्ड वाली हो? आ गई बेचने, फोन रख। मैं राजू की फ्रेंड बात कर रही हूँ। और मैं राजू ही बोल रहा हूँ, तू पिछली गली का टकला बोल रहा है ना? सिर्फ 500 रुपए के लिए तूने अपनी आवाज बदल दी, मुझे गुस्सा मत दिला वरना सर फोड़ डालूंगा। ये लो, तुम खुद ही बात करो। अच्छा यहाँ लगाओ तो जरा। ओए मैं हूँ। क्या भाई, कौन थी वो? मेरी लवर। ओए मजाक में ऐसे कहूंगा तो ही आएगा। हेलो, सॉरी एक्चुअली आई थिंक। जल्दी ऊपर आ जाओ, हम आपका वेट कर रहे हैं। ए राजू, डॉलर माय फ्रेंड। हाय, मुझे डॉलर नहीं रुपए चाहिए। लवर थी ना, पैसे क्यों मांग रही है? अनजाने में वो जो आइसक्रीम लेकर आई थी ना, उसे मैंने खा लिया। तुम मुझे मेरे पैसे दो। अरे इसे 40 रुपए दे दे यार। 40 रुपए, इतना बड़ा अमाउंट मेरे पास कहाँ से आएगा? 40 रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट है क्या? है ना, तो फिर छोड़ दो। टाइम वेस्ट। ये देखो दार्जिलिंग, तुम नंबर देकर नाम नहीं बताओगी तो मैं क्या सेव करूं? मतलब एप्पल या ऑरेंज कुछ ऐसा नाम होगा ना। हाय श्री। हाँ? ए, नाम अच्छा है ना? फ्रेंड भी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा कहाँ जा रही है वो देख। आइसक्रीम मुझे दो। श्री के फ्रेंड, श्री के फ्रेंड, श्री के फ्रेंड, श्री के फ्रेंड। हाँ जी। अरे वो कॉफी कॉस्टली वो कहाँ है? कॉफी कॉस्टली नहीं है, कॉफी केजल है, वो देखो वहाँ। कॉफी कासल है। कुछ खेलने की बात थी ना? कुछ नहीं भाई, बस बॉक्सिंग। बॉक्सिंग मेरे बस की बात नहीं है। अरे तो ये कहने में इतना शर्मा क्यों रहे हो भाई? वो ना अभी एक लड़की से मिलकर दिल फेंक आया हूँ। तू कहाँ जा रहा है? दिल फेंक आया कहा ना, सोचा उसे ही ले आऊं। लड़की को? नहीं दिल को। कॉमेडी मत कर ब्रदर, सीरियस लव है यहाँ। लव? अरे बाप रे, उसका इससे क्या मतलब? हे, बॉक्सिंग में दो लोग होते हैं ना। हाँ तो मुझे तो आती नहीं। हाँ वो भी है। मान लो अगर दूसरे ने मुझे मारा तो और मेरा चेहरा बिगड़ गया तो हैंडीकैप कोटा में भी लड़कियां नहीं पटेंगी, करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। तुम्हारी दोस्त भी करेक्ट कर रही है। क्या करेक्ट, पहले बात तो बताओ। तू ही बता ना। देखो ब्रदर, मंथली 50,000 देंगे। 50,000? 75,000। मतलब ट्राई करना होगा कह रहे हो? बस ना। ये क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीकल्चर है या बॉक्सिंग, ठीक से समझाओ वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। एग्रीमेंट मतलब क्यों? अगर हमने तुम्हें पैसा ना देकर धोखा दे दिया तो? एक मुंह पे ऐसा सब ना होने पाए इसलिए इसकी जरूरत है। क्या लिखा है इसमें? फेडरेशन की तरफ से जो पैसा मिलेगा वो आपका, और ऊपर जो इनाम मिलेगा वो हमारा। उसके ऊपर कप के अलावा कुछ नहीं बचता है। भाई काफी सर हम लोगों के लिए तो। अच्छा एडवांस 50,000। ये बाइक किस किस की है? मेरी है भैया। तो फिर तू ही कर ले। अरे आपकी भैया, ले लो ले लो ले लो। आई लाइक इट। वो क्या है? आईफोन। माय फोन, थैंक यू। विद प्लेजर।
जी हाँ, मैं उस लड़की के पीछे घूम रहा हूँ। अभी मेरे पास वही एक काम है। वो काम होने तक मैं क्या बताया था? बॉक्सिंग। हाँ, वो नहीं कर सकता। अब वो लड़की आपसे कैसे पटवाए सर? तो मुझे उस लड़की से पटवा दो ना। वो तो और मुश्किल है सर। अच्छा, तो फिर आप लोग किस लिए हो? आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन प्रैक्टिकली चांस ही नहीं है ना। जब प्रैक्टिकली चांस ना हो तो प्रैक्टिस पर आने का भी चांस नहीं है। ऐसी बात है क्या? एक काम करते, आप उस लड़की के पीछे घूम ही रहे हो ना, वो कंटिन्यू करते रहो, अपने आप सेट हो जाएगी। करेक्ट। किशोर। यस सर। तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक को भूख लगी तो मछली पकड़ने के लिए तालाब के पास जाकर जाल फेंका, नहीं फंसी। इस बार फिर से फेंका, नहीं फंसी। ऊपर से भयंकर धूप थी इसलिए तालाब सूखने के बाद मछली पकड़ लेंगे सोचकर वहीं पर इंतजार किया। मछली मिली क्या? जैसा सोचा था ना, एक महीने बाद तालाब सूख गया। तब मिल गई होगी। वो खुद ही मर गया। इसकी वजह से कहीं हम तो ना मर जाओ ना। क्या कहा? मेरा प्यार सेट करके मर जाओ ना। प्योर लव होता तो कोई बात नहीं थी, बट इट इज ट्रू लव। दोनों एक ही बात है। दोनों एक ही बात कैसे है? दोनों अलग है क्या यार? कहाँ फंस गया मैं? अरे हमने इंजीनियर की पढ़ाई की इसका ब्रोकर बनने के लिए। श्री फेसबुक अकाउंट भी है। करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है। फादर इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक्स के प्रोफेसर है। नाम है कृष्णमूर्ति। समुन्द्र किनारे आर के टावर्स में रहती है। तो फिर उस टावर के ऑपोजिट फ्लैट में हम रहेंगे। वो क्यों? अबे उसके पास रहूंगा तभी तो पटा सकता हूँ। ब्रो, वो श्री का फ्लैट है, ये तुम्हारा फ्लैट है, एंजॉय। मतलब और 2 लाख। स्पोर्ट्स में तो बहुत इंटरेस्ट है। रोज शाम को वाल्थर क्लब में प्रैक्टिस करती है। क्लब में ताश खेलती है? अरे टेनिस खेलती है भाई। ओ, वो लड़की स्पोर्ट्स फॉलो करती है। बस तुम बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए उस लड़की को फॉलो। बस बॉक्सिंग स्पोर्ट्स है? क्यों, क्या हुआ? पहले बता दिया होता ना। बड़ा ये बॉक्सर है। What next? कुछ नहीं, बस तुम्हें ये करना है। चले यार। अरे जरा रुकेगा भाई। अंदर वो टेनिस खेल रही होगी, तुम जाकर मैं आई ज्वाइन यू कहो बस। मतलब यार श्योर कहेगी वो। इससे पहले मई जून जुलाई का था वो क्या? ये मैं आपके साथ खेल सकता हूँ ये। ओके। यार श्योर कहेगी। मतलब ठीक है कहेगी यार। वो तो मुझे पता है। हाँ। फिर मैं वहाँ क्या करूँ? ये सब भी हम ही बताएंगे तो तुम क्या करोगे? टेनिस तो मुझे आती नहीं है ना। क्रिकेट आता है ना, उसी तरह से खेल लो। इसके साथ? इसके साथ नहीं भाई, इसके साथ। ये लो पकड़ो। ओके। मुझे एक बात पूछनी थी। वो भी पूछ ले। वो इतनी दूर आई है, अकेली खेलेगी? अकेले क्यों खेलेगी, वो देखो उसके साथ खेलेगी। वो आ रही है ना, तो वो दोनों लोग खेलेंगे, मेरे साथ क्यों खेलेंगे? यार उसको ये देख लेगा, पहले तुम जाओ तो सही। प्रियंका, प्रियंका, आई लव यू प्रियंका, प्लीज प्रियंका, आई लव यू सो मच, प्लीज मान जाओ। थैंक यू। ये तो गया। मई जून जुलाई बोला था क्या था वो? मई जून जुलाई बोला था क्या था? आगे अगस्त सितंबर भी आता है। मे आई ज्वाइन यू ऐसा बोलना है। हे, मे आई ज्वाइन यू? या श्योर। ओह लेट्स ट्राई। या क्या ये? मैं नहीं जानती इसे। गुड शॉट। ये नंदू चंदू है, कोई मजाक थोड़ी है। ये मोटा बहुत फुटेज खा रहा है, इसका जल्दी कुछ करो। ठीक है चलो। लगता है कुछ फट गया है। वन सेकेंड। मे आई ज्वाइन यू? जरूरत नहीं है, मेरी फ्रेंड आ रही है। उस मोटे को या श्योर और मेरी बारी में फ्रेंड आ रही है? वो सब मुझे नहीं पता, खेलना ही होगा। ठीक है चलो।
आप पूजा, ये सब आपने किया? क्यों? आई लव यू बट आई लव दैट गर्ल। बस 10 मिनट का टाइम दोगी ना, उस पर 1% चांस लग रहा है मुझे। अगर वो नहीं पटी तो मैं हूँ ना। और क्या, यही रुकना, बस 2 मिनट, अभी आया। लगता है ये इसे पट गई, उसे जाकर पकड़ लेता हूँ। चलो अब हम दोनों लव करते हैं। किशोर, मैं नंदू। किशोर यहाँ है, लड़की छेड़ रहा है। ये तो ऑलरेडी पटी हुई है ना सर। बाप रे, तू पागल है क्या? मतलब ये सब एक प्लान था? तुझे अब तक समझ में नहीं आया क्या? अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? इसे होश में आने में 1 हफ्ता लगेगा। चलो चलो। सिक्स। सिक्स सर। सिक्स। सिक्स कैसा? तो फिर क्या आउट हूँ? ये वन टॉप कैच पर आउट होगा, ये सब पहले ही बोल देना चाहिए था। इट्स रेनिंग। अरे अरे, बारिश पड़ रही है। बिकॉज ऑफ रेन मैच ड्रॉप। हेलो, वो ऐसे क्यों नाच रही है? अभी तुम यहाँ पर हो ना, उसे नहीं पता है, इसीलिए खुश है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। मैं जैसे इसे निचोड़ रहा हूँ, ये हम लोगों को निचोड़ रहा है। इसकी चर्बी बढ़ती जा रही है, अपनी किस्मत ही ऐसी है। आवाज़ें कैसी आ रही है? मस्त लग रहे हो भाई। सर, राजू सर। जूस। किशोर, धूप में ज्यादा घूम रहे हो क्या? इतने काले जो हो गए हो। चश्मा ऊपर करिए ना। ओ क्या है ये? फ्री का जूस। क्या? पाइन एप्पल जूस। पाइन एप्पल, जैसे सेब हमने देखा ही नहीं। वाह, मस्त जोक है सर, मैं थोड़ा हंसकर आता हूँ। कोई बात नहीं, यहीं पर हंस लो फिर, ठीक है। वैसे मैंने तुझसे क्या मंगवाया था? वाटर मेलन। चलो उठो भाई, बॉक्सिंग वॉक्सिंग नहीं करनी है, चलो। अरे अरे, क्या हुआ क्या हुआ? क्या कहा था तुमने? वाटर मेलन। वाटर क्यों लो? क्यों लो वाटर? वाटर लेंगे हम, जूस मांगा था तुमने। नहीं, 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 भाई मैंने पानी नहीं बोला, वाटर मेलन बोला। वाटर मेलन नहीं मिला, क्या करता? एक साथ हफ्ते भर का ले आना चाहिए था ना। 2 हफ्ते का लेकर आया था सर, लेकिन आप ही ने। चल चल, जो भी है वो पिला। कौन है तू? कोच। एसीएन होने से प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाओ, ट्रेन कोच नहीं है, बॉक्सिंग कोच है। मुझे ये पसंद नहीं है। पसंद तुम्हें नहीं, उसे आना चाहिए। ये क्या रिश्ता हो रहा है? मुझे वो पसंद नहीं है, कोई और देख लो। अब तक 36 जा चुके हैं, ये 37वां है। बहुत बड़ा कोच है, नेशनल चैंपियन रह चुका है, बड़ी मुश्किल से हमारे लिए हाँ किया है। चुपचाप सीख लो तो सही रहेगा। अगर गुस्सा आ गया ना, 34 दांत तोड़ दूंगा। तू समझा या नहीं? समझ गया। 32 दांत होते हैं। तो अक्कल दाढ़ भी होती है ना, अब इससे ही सीखना होगा क्या? ठीक है, उसे जो आता है सिखाने को बोलो। कोच, कोच, ये तो सारी जगह से बंद है, कोई गेट नहीं है क्या? ऐसा तो मत कहो यार। अंदर लांग कर जाते हैं सर। हाँ। तू जाकर जूस बना, चल। हाथ दिखाओ, उठाओ और ऊपर मुंह खोलो। आप दांत के डॉक्टर हैं क्या? सांस अंदर खींचो, जोर से खींचो। पोजीशन। कम ऑन बॉक्स। ए डॉलर, इन्हें मैच बॉक्स चाहिए, अभी लेकर आ जाएगा बॉक्स। अरे भैया, ये कराटे नहीं है, बॉक्सिंग है, ऐसे क्यों चल रहे हो?
Come on, box. मैंने ऐसा क्या कह दिया जो मुझे मार रहे हो? अरे देख, तमीज से बात कर रहा हूँ, तमीज से। मार क्यों रहा है रे? अबे मोटे, मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ Idiot. सर 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 प्लीज सर प्लीज सर नाराज मत होइए सर प्लीज। वो बॉक्सर है क्या? बॉक्सिंग का मतलब तक जानते हैं आप लोग? ऐसे लोग बॉक्सिंग करने लगे तो बॉक्सिंग का नाम खराब हो जाएगा। आई कैन नॉट कोच समबडी लाइक हिम। सर सर प्लीज सर प्लीज लीव मी अलोन। सर प्लीज सर, अब तक उस पर बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं सर, आप ही उसे बॉक्सर बना सकते हैं, इसलिए आपको अप्रोच किया है सर। बस एक बार सोच कर देखिए। प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर। बताओ क्या हुआ? टायर पंचर हो गया था ना? मैकेनिक लेकर आ गया है। कौन लेकर आया? फ्रेंड। पंचर ने काम कर दिया। हो गया मैडम, ये लो भैया दे देंगे। लगता है आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। रोज बात करने वाला अगर एक दिन अचानक ना बात करे तो परेशानी बढ़ जाती है, यही इस राजू का टेक्निक है। वैसे दीदी क्या करती है भैया? अब दोबारा उससे दीदी और मुझे भाई कराना तो तू पंक्चर हो जाएगा साले। अब तक 3 कॉफी हो चुकी है, अब सबर टूट रहा है मेरा। अगले 5 मिनट में यहाँ नहीं पहुंचे तो कल से बॉक्सिंग पर नहीं आऊंगा। सर 2 ही कॉफी तो पी है आपने। मैंने कितनी कही? 3 सर। तो लेकर आ, मेरा चेहरा देखेगा तो कैसे आएगी सर। अरे डार्लिंग का फोन आ गया। हेलो। हाय। कौन? नहीं पता। कौन? ओके बाय। हेलो हेलो, इसकी क्या जरूरत थी? हेलो। हाय श्री। कौन? मैं हूँ। कौन बोल रहा है? हम दोनों के बीच अब ये झगड़ा किस लिए? राजू बोल रहा हूँ। ओ अच्छा, बताइए। कॉल की थी ना? कहाँ हो तुम? वो ना एक छोटे से काम पर दिल्ली आया था। ओहो, वैसे दिल्ली दूर नहीं है। वो ना दिल्ली से आना हो तो आ सकते हैं, लेकिन लेकिन कुछ बात करना चाहती थी ना। पहले दिल्ली से वापस आ जाओ तब बात कर लेंगे। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। क्या? उसकी तो मौत लिखी है। कौन मरेगा? आपसे शादी करने वाली। वही तो। कौन? जिसकी किस्मत में होगा वही। अच्छा, शादी करेगा तो मर जाएगा? जरा सी जबान फिसल गई तो उसका तो कचुम्बरी बनेगा ना। मतलब मैं चुड़ैल हूँ क्या? प्यार हो तो चुड़ैल भी परी जैसी दिखने लगती है। मुझ पे भरोसा मत करना, दिन में परी दिखती हूँ, रात को चुड़ैल बन जाती हूँ। हाँ तुम दबाओगी तो हम चुप रहेंगे, पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। तो मैं भी कर दूंगी। मुझ पर? हाँ। किस बात के लिए? कि दहेज के लिए टॉर्चर कर रहे हो। बाप रे,
रोज दारू पीकर मुझे मारता है। सॉरी, छोड़ दूंगा। ये अकल केस करने से पहले आई होती तब सोचती मैं। वैसे मत खुशी से नहीं पीते, घर के टॉर्चर सहना हुए इसीलिए। अरे बाप रे, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें घर पर कोई परेशान करता हो। अरे वाह, ये घर भी तुम्हारे दादाजी छोड़ गए थे ना? तो अच्छी सी लड़की देखकर शादी क्यों नहीं की? तुम इतनी बड़ी चुड़ैल हो नहीं पता था ना? दत्त, श्री, सॉरी। जरूरत नहीं है। क्या है? सर, बिल सर। ये आपका बिल सर। मैडम, अब तुम जाओ, लगता है बहुत दूर निकल चुके हैं हम। राजू, अरे एक मिनट सुनो तो, बिना कुछ बोले ऐसे जा रही हो? पेपर में अपने बॉक्सिंग टूर्नामेंट की न्यूज छपी है। क्या कहा? सच में? ये देख। सर, अब हम चलें क्या? चलिए ना। किशोर, ये गोरी गोरी लड़कियां कौन? मेरी सालियां हैं। तुम्हारी शादी कब हुई? तो अब ये वाइब्रेशन मोड छोड़कर नॉर्मल मोड में आओगे क्या? नमस्ते सर। बॉक्सर तुम किस सिंगल से लगते हो? जैसे तुम ऑफिसर लग रहे हो ना। ठीक है ठीक है, साइन करो। दस्तखत। ओह, ऑटोग्राफ। हाँ, ओके गाइस, लेट्स डिस्टर्बेंस स्वीट्स। वो क्यों? मिठाई बांटने के लिए कहा। कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले मीठा खाना चाहिए, माँ ने कहा था। और माँ ने अपने पैसे से मिठाई खरीदने के लिए नहीं कहा बेटा। बेटा किसको कहा? फिर से बेटा कहा? बेटा बोला तो ठीक नहीं होगा। मैंने तुझे नहीं कहा बे। इसने बेटा बोला भाई। ऑटोग्राफ कहाँ देना है? यहाँ साइन कीजिए। अब तुम बॉक्सिंग में सेलेक्ट हो जाओगे। ओके गाइस, अब तो बॉक्सिंग हमने जीत लिए समझो, लेट्स सेलिब्रेट। साइन करने से कोई चैंपियन नहीं होता, पहले ग्लव्स पहनना तो सीख ले। कौन है? अब ये भी बॉक्सिंग में आ गया। रुक रे। क्या बे, अन्नदान चल रहा है जो सोचकर खाने, खाने के लिए नहीं आए। चीटिंग पार्टीज, उस दिन मुझे बेवकूफ बनाकर उसे मेरी नहीं होने दिया। अरे नंदू। ओए, सिर्फ नंदू नहीं, नंदेश्वर चौहान, एक घूसे में जान निकाल दूंगा। अच्छा, तेरे से बहुत देखे हैं, चलना। मेरी ये बात पत्थर की लकीर समझ कर दिमाग में डाल ले, बार बार धोखा खा जाऊं। ये टेनिस कोर्ट नहीं है, बॉक्सिंग कोर्ट है। बॉक्सिंग कोर्ट में हम ही कोर्ट नहीं है, रिंग है। ओ आई सी। हेलो, वहाँ चलो बजाओ रे। कल से प्रैक्टिस के लिए कोच ने टाइम पर आने के लिए कहा है। हमारे भाई को प्रैक्टिस की जरूरत है क्या? तुम्हारा भाई है इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। अरे जॉनी। हाँ भाई। इतनी देर से खड़े होकर दाढ़ी बना रहा हूँ तो हाथ में दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों? वीकनेस। टाइम पर खाना नहीं खा रहे हो ना, एक घंटे से खाना नहीं खाए। अरे बाप रे, फिर अब क्या किया जाए? अकॉर्डिंग टू फिलोसफी एंड जुरासिक पार्क स्टीवन स्पीलबर्ग डार्क सिटी, काजू बादाम खाने चाहिए। खाली पेट क्या? खाली पेट खाएंगे तो पेट में जलन एसिडिटी हो जाएगी ना, ठंडी बियर के साथ थोड़ी देर में काजू खा लेनी चाहिए। क्यों, रोज का एक बॉक्स बियर काफी है ना? देखा ना, भाई ने तुम्हारा टैलेंट पकड़ लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है रे भाई, सॉफ्टवेयर है, एक बार देख लो तो पहचान लेते हैं। भाइयों, बियर लेकर आते वक्त गालों पर लगाकर जरूर लाना। गालों पर? ठंडी है गरम, तुम्हारा चाचा बताएगा। अच्छा, वो जो फ्रिज लाने के लिए नहीं कहा। मैंने कहा था ना, सॉफ्टवेयर। डबल डोर होगा तो बेटर होगा भैया, बिरयानी अगर बच जाए तो सुबह छुपा कर खा सकते हैं। कहाँ जा रही हो? बैठो ना, अच्छा लग रहा है। सुबह 6 बजे जिम आ जाना। क्यों, आधी रात को? क्यों 6 बजे? आधी रात होती है क्या? तुम्हारा ये अन्याय ऊपर से सब भगवान देख रहा है। ऊपर 5वें माले पर भगवान बैठा है क्या भाई? मतलब अब 6 बजे निकलना है तो 5:30 बजे उठना होगा। हाँ वो तो है। हाँ। उठना है तो अच्छे से सोना भी होगा ना। Exactly. सोना है तो वो भी चाहिए ना। क्या चाहिए? वही फिल्मी हीरोइन। कौन सी हीरोइन? वही जो सेसी के एड में आती है ना। बड़ी सॉलिड है ना, स्मार्ट बॉय। भाई इन्हें प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? सॉलिड ही नहीं, वो तो अंग्रेजी बोलती होगी, कोई लोकल लड़की होगा। हमें एसी चाहिए, लड़की नहीं। बच गए। ओके डन। एल डन। कल रात ही मैंने इंग्लिश फिल्म देखी। बाप रे।
राजू फोन नहीं उठा रहा। एक बार श्री को ट्राई करना। अरे बाप रे। उठना ए राजू। अरे उठना श्री आई है देखना। अरे खोल दू ना। कम इन राजू। हे तुम कब आई? अभी किशोर ने कॉल किया मुझे, कोच निकल चुके हैं बोला। प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस जाना ही भूल गया। बाय बाय श्री। हाँ श्री। हाँ? सुबह सुबह उठकर बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है ना। हाँ? सारा शरीर दर्द कर रहा है, थोड़ी एनर्जी तो दे सकती हो ना? बूस्ट दूं या हॉर्लिक्स दूं? होठों पर लॉलीपॉप लगाकर दोनों एक साथ खा सकते हैं ना? चले ठीक है मैं जा रहा हूँ। कहाँ पर? घर। ना बॉक्सिंग चाहिए ना प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। आंखें बंद करो ना। वाह ये क्या भीग दे रही हो, गाल पर ही दे देती। तुम पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, मैं जीतने पर मैं तुम्हें खुद किस करूंगी। जब तक तुम नहीं दोगी तब तक एक एक का मुंह टूटता जाएगा। ट्रेनिंग बड़ी धमाल कर रहा है, लगता है इस बार यही जीतेगा। ये कौन है? क्या मालूम क्या फाइट करता है, देखा तुमने? किसने भाई? राजू। क्या पता, देखा तूने पेपर क्या काम कर रहा है। कंफर्म इस साल तो राजू ही चैंपियन है। सर अंदर जा रहा है। उसका नाम क्या है? राजू, राजू द किलर। उसके पापा का नाम? आनंद राव। मतलब पेपर में इस राजू का नाम है? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन BSNL में जॉब भी तो होनी चाहिए ना। हम वही चेक करके आ रहे हैं, कुछ दिन पहले ही जामनगर के BSNL ऑफिस में ट्रांसफर होके आए हैं। कौन? इस राजू के पापा का नाम भी आनंद राव। आनंद राव तो ठीक है, पर हैं कहाँ के? पूना के है। बाप रे, मतलब अब तक हम जिस महानुभाव राजू को झेल रहे थे वो गधे के चक्कर में मुझे अपनी जान से प्यारी बाइक भी छोड़नी पड़ी। तुझे सिर्फ बाइक ही पड़ी है, मैंने 2 लाख रुपए खर्च किए हैं, अब किसको जाकर कहूँ? देखना इसके आइडिया की वजह से कितना नुकसान हुआ। तुम लोग मुझे क्यों सुना रहे हो? अपनी बहन की शादी के पैसे मैंने खर्च कर दिए, किससे बोलूं? सोचा था इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डबल हो जाएगा, किसे पता था ऐसा हो जाएगा? जो आएगा उसके बारे में नहीं, जो लगाया है उसके बारे में सोचो। आपस में झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, अब आगे क्या करना है ये सोचो। इन सब की जरूरत है? कौन से आइडिया के बारे में हम लोग सोचे? तुझे तो बाप रे आइडिया। वो क्या? राजू बॉक्सर है, ये बात हमें पहले पता होती तो उसके पास जाकर एग्रीमेंट करते ना, है ना? तो वो काम हम अब भी कर सकते हैं। 5 करोड़ वाली बात हमारे अलावा किसी को तो पता है नहीं। नाइस आइडिया। हाँ है ना, करेक्ट है। क्या चाहिए आप लोगों को? होने वाली बॉक्सिंग टूर्नामेंट में राजू ही जीतने वाला है, ये बात सिर्फ हम ही लोग जानते हैं। ये मैं भी जानता हूँ। सर आप भी उस बाबा के पास गए थे क्या? सुदर्शन, लास्ट 15 टूर्नामेंट में राजू ही जीता है। मैंने सोचा बाबा ने इसे भी न्यूज़पेपर दिया होगा। कैसा न्यूज़पेपर? स्पॉन्सरशिप के लिए आए हो क्या? हाँ सर, आप अगर हेल्प करेंगे तो 2% कमीशन भी देंगे। कमीशन? 2.5 सर, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। यस सर। इडियट्स, गेट आउट। क्या गेट आउट? तुम्हारा बंदा चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर ले, अगर हम साथ रहे तो वो जीतेगा। आप लोग साथ रहोगे तो या ठीक है, मिल लो। ओके
हेलो ब्रदर, हर महीने आपको 10 लाख देंगे। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। एटीएम जाकर जितनी आसानी से पैसे निकालते हैं वैसे कब भी ले सकते हैं। तो हम डील फाइनल कर ले, ऑफ कोर्स पैसे की जो बात है। आईटी टीम, कल तक तो अच्छे थे ना, ऐसे क्यों हो गए? एक्सीडेंट, इसीलिए कार में घूमना चाहिए। भाई बेबी, हेलो बेबी, क्या हुआ? फोन करो तो उठाती नहीं हो, गाड़ी भिजवानी है याद नहीं था क्या? मेरे रूम में एसी 16 से नीचे नहीं जा रहा है, बाद में ये मत बोलना कि प्रैक्टिस पर नहीं आते, ट्रेनिंग पर नहीं जाते। बॉक्सिंग जितना आसान ये समझ रहे ना, उतना आसान है नहीं। इजी है भाई। अरे यार इसका कुछ तो करो। अरे अपना भी टाइम आएगा, पहले जाकर कैब बिल भरो और मैं इडली नारियल की चटनी के साथ। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैं अंदर जाकर प्रैक्टिस करता हूँ, वो देखने में ऐसा लगेगा कि सो रहा हूँ। तुम लोग परेशान मत होना, इट इज मेडिकेशन। मेडिकेशन को एजुकेशन भाई, ध्यान करते हैं ना, उसे मेडिटेशन कहते हैं। किशोर तुम सुपर हो, इडली आ जाए तो मुझे उठा देना। ए, अब पता चल गया कि वो राजू नहीं तो हम इसे क्यों झेल रहे हैं? अरे यार पेपर में छपे 5 करोड़ को पाना है तो कोई ना कोई राजू चाहिए ही, वो राजू हमारे पास आ नहीं रहा और ये हमें छोड़ के जा नहीं रहा। हमें जीतने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए। हाँ। एक ये कि उसका नाम राजू होना चाहिए। हाँ। दूसरा वो हमारे साथ रहे। जब ये 2 पॉइंट्स हमारे पास है तो किस बात का डर? सही कहा, करेक्ट। राजू के जीतते ही फर्स्ट विसल मैं ही बजाऊंगी। आज यहाँ श्री NTR इंडोर स्टेडियम में स्टेट बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से हो रही बॉक्सिंग प्रतियोगिता थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बॉक्स। One, two, three. Yeah! Killer Raju! ये क्या है रे? भाई? स्पोर्ट्स मतलब खेलना ही होता है ना? हाँ। तो फिर ये लोग ऐसे मारपीट क्यों कर रहे हैं? वो सब वैसे ही है भाई। क्या वैसे ही? वैसे ही होता तो ब्लड आता है क्या? ऐसा खेल खेलेगा तो मेरी माँ डांटेगी। चल ए राजू, ए राजू, ए राजू, राजू। अरे वो लोग बुला रहे हैं भाई। इधर आ। क्या है? इधर आ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? खाना हो चलो ना। हट, अक्कल नहीं है तुझमें? अक्कल नहीं है क्या तुम लोगों में? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, क्या कमी रखी है हमने? सर का मूड ठीक नहीं है। सर का मूड नहीं है समझ गए? ये टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। खेलना नहीं करना है राजू। वेरी गुड, तुम खुद खेलने के लिए मना कर रहे हो। इस टूर्नामेंट में हम नहीं खेल रहे, अगले टूर्नामेंट में मिलेंगे। बाय गाइस। हेलो, इस टूर्नामेंट में तुम खेलोगे ऐसे एग्रीमेंट किया है तुमने, याद है? जरा पुलिस को फोन करना। आप पर लीगल एक्शन लेने के लिए। तब ठीक है, मैंने सोचा कंप्लेंट कर दोगे। हाँ कंप्लेंट ही करेंगे। कौन है वो, कौन है, कौन है? ओहो तुम कंप्लेंट करोगी? कंप्लेंट करेंगे। थप्पड़ मारा है तो मैटर थोड़ा सीरियस लगता है। तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है, वरना श्री को तुम्हारी बातें बता देंगे। क्या बताओगे श्री को? क्या बताओगे, बताओ क्या बताओगे? श्री को मत बताना, बात कर रहे हैं ना। अब क्या करें? हाँ राजू। हाय। ये क्या है? ओपन करके देखो ना। बड़ा सा गिफ्ट लग रहा है। ओहो पूर्व पाय। अब ये सूप पीने वाला कप किस लिए? सूप पीने वाला कप नहीं है। ओ ट्रैफिक पुलिस वाले पहनते हैं ना धुएं से बचने के लिए। भाई है? अरे ये वो नहीं है, कैसे बताऊं इसको? अरे शिवा। हाँ? अंडरवियर के नीचे पहनते हैं। भूलना मत लगा लेना। हर किसी को अपनी पड़ी है। श्री बोलो। मैं जो बोलूँ वो करोगी? हाँ करूँगी। मैच खत्म होने तक बाहर वेट करोगी? बाहर क्यों? मतलब मैं उसे मारूंगा तो डर कर कहीं तुम मुझसे नफरत ना कर बैठो इसलिए। क्या मैं और डर जाऊंगी? हाँ मैंने तुम्हारे लिए विसल बजानी सीख ली है। विसल बजानी भी सीख ली है? ठीक है तो तुम बाहर से विसल बजाना, मैं अंदर से सुनूंगा। नहीं ऐसे नहीं। मैं जीतूं या नहीं? जीतना है तो फिर बाहर वेट करोगी ना? हाँ, बाप रे। अरे किस करने के लिए वापस आ रही है? रेडी रेडी। आई हेट यू। बाप रे, आई लव यू श्री।
आज के इस चैंपियनशिप टूर्नामेंट में एक नेशनल सेलिब्रिटी यहां पर पधार रहे हैं, वो कोई और नहीं द ग्रेट एनर्जेटिक वन एंड ओनली रेफरी जूनियर मोहम्मद अली। Push the tempo, feel the beat go, make the trap play, do it your own way. Watch the flip side, on the worldwide, feel the bass kick, move your feet quick. All the way. Hello, hi. Hi. क्या हुआ, हरियाणा से हो क्या? रोहतक से। ये तुम्हारे साथ है क्या? हेलो सर, नाइस टू मीट यू। जरूरत नहीं है, रेफरी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए वरना रिजल्ट उल्टा हो सकता है। माइक टाइसन को ही नॉकआउट पंच सिखाने वाला मैं हूँ। वो कौन है? तो उनको नहीं जानते? उठो, स्टैंड अप। रेफरी को मारोगे तो डिस्क्वालिफाई कर दूंगा। कम ऑन, आ जाओ, इंट्रोड्यूस कर लो। हाय, मैं राजू हूँ, रोहतक से ही हूँ। तुम यहीं रहते हो, लोकल ही हो ना? घर वाले सब ठीक है ना? पापा क्या करते हैं? क्या बात, दोस्ती बढ़ती जा रही है। एक काम करो, फ्रेंडशिप बैंड बांध के मुस्तफा मुस्तफा डोंट वरी करके गाना गाओ। आओ आओ, ये सब बॉक्सिंग के रूल्स है क्या? आओ चलो। रुको, बॉक्सिंग को गंदा मत करो। जब मैं तुम्हारी तरह ग्लव्स पहन के घूमता था ना, तब रिंग में एक बार 30 लोगों को सुला दिया था। बस तब से ग्लव्स पहनना छोड़ दिया है। देखो ये बो पहन के घूमता हूँ। मुझे फ्लैशबैक की याद मत दिलाओ, वरना कंट्रोल खो बैठूंगा। क्या काम है? पकौड़ी, पकौड़ी सर, पकौड़ी अंदर रख ले, चखने में काम आएगी। गेम्स में कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। पूरे 10 राउंड। लार्ज या स्मॉल? तू हमेशा वहीं क्यों चलाता रे? वीकनेस सर, वीकनेस। ये वो राउंड नहीं है। हाँ हाँ, समझ गया समझ। बॉक्सिंग के राउंड है, 30 मिनट रहता है, हर राउंड पे एक स्मॉल ब्रेक मिलता है। मतलब पॉपकॉर्न और स्नैक्स देने के लिए ना? अरे रोहतक के, ये फिल्म का इंटरवल वाला ब्रेक नहीं है। तुम कॉमेडी मत करो, तुम गुस्से में आ जाओगे। तुम दोनों जब एक दूसरे को मारोगे तो जब ये मारो तो तुम हिला मत, जब ये मारो तो तुम हिला मत। नाक पे मारते खून आ जाएगा, तब कोई एक जरूर गिर जाएगा और बस खेल खत्म। दुकान बढ़ाकर जल्दी घर जा सकते। तुम घर जाके दारू पियोगे ना? अरे यार बॉक्स। अरे तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? मारो इसको। ये लड़का ऐसे क्यों भाग रहा है? फाइट कब करेगा? ये बहुत पुरानी टेक्निक है, कोई मारने आए तो हिरन की तरह बच के निकल जाओ। अरे मैंने बॉक्सिंग मतलब फाइटिंग समझा था, ये तो बहुत इजी है। अच्छा, ये तो फर्स्ट मैच है, सेकंड मैच होगा ना तब धागे खुलेंगे। सर एक कोच। हाय माय राजू, बॉक्सर दिखने में ऐसा लगता नहीं है ना? ऐसा तो मत कहो यार, तुम लोग चाहो तो मार के भी देख लो। कम ऑन गो। मैं भी वन टाइम प्लीज। क्या हुआ, आंखें क्यों लाल हो गई? प्यार जो दिल से उमड़कर आंखों में आकर टिंग टोंग कर रहा है। तेरी वाइफ मस्त लगती है। Solo
लेडीज एंड जेंटलमैन, 18 टाइम्स चैंपियन ऑफ द बॉक्सिंग, नंदेश्वर चौहान। बॉक्सर कम कछुआ ज्यादा लगता है, ये कहाँ का चैंपियन हो गया? हाय ब्रो, व्हाट्सअप? ब्रो नहीं हूँ गधे, कॉल में रेफरी, रेफरी सर। ओ रेफरी, हाँ, ये तेरे हाथ में कैसी प्लेट है? ओ दिस इज द चैंपियन ऑफ द रिंग्स ऑफ द बॉक्सिंग। अच्छा या। हम दे तो तुम्हें लेना चाहिए, बाजार से नहीं खरीदना चाहिए। ओ, पाँव डाला। हम दोनों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए रेफरी, मेरा टारगेट वो है। ओ उससे तेरी जमती नहीं है? नहीं, हम दोनों का टारगेट वही है। अबे इंतजार क्यों, ठोक दे उसको। उस लड़की के साथ मैं भी कुछ दूंगा। क्या दोगे? सोने का बिल्ला। बॉक्स, कम ऑन। अरे रे रे रे, अबे ज्यादा मत ऊंचा, वरना थक जाएगा। आया? ये देख नंदू, दोबारा श्री के पीछे कभी दिखाई जाना, समुंदर किनारे तेरी समाधि बना देगा। श्री मेरे लिए पैदा हुई है, मेरे लिए बड़ी हुई है, मेरे लिए खा रही है, मेरे लिए पी रही है, उससे दूर रहो और उसे भूल जाओ। तेरी पर्सनालिटी से इन डायलॉग्स का लिंक नहीं बन रहा है। वैसे श्री है कौन? मेरी लवर है रेफरी। आई एम द लिविंग ऑफ द लविंग ऑफ द श्री। उससे शादी करने के लिए मैं बॉक्सिंग में उतरा हूँ रेफरी। श्री कहीं नहीं जाएगी, जगदम्बा सेंटर पे ही मिलेगी। पहले इसे तो देख ले। फाइट फाइट, कहाँ? कम ऑन नंदू। एक ये पागल और दूसरा ये है नंदू स्ट्राइकिंग। ये तो हाथी का दांत निकला। ये तो ऐसा ही सो गया। तुम्हारा टाइम अच्छा है। हाँ। No break for break. Yeah. No break for break. चैंपियन है यहाँ, साइड में हट जा। सुपर। इसकी लवर है ये। सुनो रोहता है, तुम्हें ताश खेलना आता है क्या? मेरा तो नाम ही राजू है। हाँ। डायमंड राजा, ईट राजा, पान राजा, हुकुम का राजा, सब हम ही हैं। अबे गधों के राजा, एक पुरानी कहावत है। क्या? हर कुत्ते का दिन आता है। ओ, दिन तो समझ आता है, ये कुत्ता कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धप्पा। कटप्पा तुम्हारा क्या लगता है? मेरा भाई। ओ, देखो ना इसकी पर्सनैलिटी क्या कहती है, दबा डालेगा। देखते हैं क्या दबाता है। चेहरा तो देखो इस पकौड़े का, आने दो, देखते हैं कौन किसकी चटनी बनाता है। ये देखो। ओहो, ओए, इसने मुझे परेशान कर रखा है, एक घूसे में नाक टूट जानी चाहिए। कम ऑन फाइट, कम ऑन, या चले। अबे तू मेरे को क्यों मार रहा है? रुक। हे, कम ऑन, कम ऑन। अरे तू पीछे क्या कर रहा है, सामने आना। हाँ इधर। अरे कम ऑन, मार मार। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। रुक जाओ, ए तूने रेफरी की नाक से खून निकाल डाला, तू डिस्क्वालीफाइड है। और मैं? तेरा टाइम सही चल रहा है, फाइनल्स में जा रहे हो, मेरा टाइम खराब है इसलिए मैं अस्पताल जा रहा हूँ। देख क्या रहा, उठाओ रे। मतलब अब सीधे फाइनल्स में। आते समय भी ऐसे ही तालियां बजा रहे थे, जाते समय भी।
ठीक से देखो वहाँ। अरे वहाँ तो कोई नहीं है। भाई लोग, ये लोग भी फाइनल्स तक आ गए यही सोच रहे होंगे ना। अरे यार, चाहे जितने भी राजू आ जाएं, लेकिन जीतेगा हमारा राजू। वैसे तूने प्राइज मनी 3 लाख सोचा है क्या? पागल, 5 करोड़ है। पता है स्पॉन्सर कौन कर रहा है? इंडिया की बिगेस्ट कंपनी एयर कोस्टा। उस दिन कौन जीतेगा पता है? हम लोग। उस दिन तुझे रख कर बताया भी था, लेकिन सुना नहीं सुना। अब बुक तो और उस पर सूट बूट पहन कर कितने ठाट से बैठे। चलो यार। हे, एयर कोस्टा के स्पॉन्सरशिप छपी है। कहाँ? कहाँ? दिखाओ, दिखाओ। टीम एयर कोस्टा इज एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी द मेन स्पॉन्सर ऑफ दिस बॉक्सिंग लीग 2015। सुपर मैडम, आगे बोलो आगे। इस बॉक्सिंग लीग 2015 के टाइटल विनर को एयर कोस्टा की तरफ से 5 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया जाता है। I am from Times of India, Mr. Raju. Yeah, tell me. Not you killer Raju, the other Raju. Yeah. इस प्रतियोगिता में चैंपियन आप ही हो, ऐसा सब बोल रहे। What do you say? पुरानी फिल्मों में दारा सिंह, रनिंग में मिल्खा सिंह, क्रिकेट में नवजोत सिंह, और इस रिंग में राजू ही किंग। राजू के सामने बॉक्सिंग कुछ भी नहीं। So funny. आप अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताइए। जब सब माँ के पेट में होते तो पैर ज्यादा चलाते हैं, लेकिन मैं हाथ ज्यादा चलाता था, ऐसा मेरी माँ बोलती है। मतलब आपका जीतना कंफर्म है? ये पकौड़ी राजू को, सॉरी, किलर राजू को चैलेंज कर रहे हो क्या? भाई मार कर जीतना तो उस पकौड़ी की पॉलिसी है, बिना मारे जीतना इस राजू की पॉलिसी है। अरे लेकिन डर लगे तो लेने को बोल दो इंश्योरेंस पॉलिसी। मिस्टर किलर राजू, इस चैलेंज के बारे में अपना ओपिनियन बताइए। ओपिनियन बताने के लिए कोई सर्वे नहीं है, चैंपियनशिप है। लेकिन रिसेंट सर्वे में 88% पीपल कह रहे हैं कि ये राजू ही चैंपियन बनेंगे। किसने कहा ऐसा? वो सर्वे गिरवे सब बकवास है। मैं चैंपियन हूँ अपने मुंह से कहना नहीं होता, रिंग में दम दिखाना होता है। मिस्टर राजू, सर्वे के बारे में आपका ओपिनियन? सर्वे में क्या कहा जा रहा है? राजू ही चैंपियन है, ऐसा आपके बारे में कहा जा रहा है। एक और बार, राजू ही चैंपियन है, ऐसा आपके बारे में कहा जा रहा है। लोगों की इच्छा पूरी करनी मेरे बाप दादा ने मुझे हर बार सिखाया, उनका कहना ही ठीक है, आप नक्की कर लो। मिस्टर किलर राजू, बॉक्सिंग रिंग में अब तक हुए मैचेस में राजू को अब तक किसी ने टच नहीं किया है, आप टच कर पाओगे क्या? कभी आपने लाइव मर्डर देखा है क्या? फाइनल मैच पर आना, मैं दिखाऊंगा। फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट पंच में मैं इसे मार डालूंगा। I repeat, I kill him in front of you guys. Get ready to see and enjoy. क्यों भाई? माँ बाप के पैसों से कभी ऐसे कपड़े खरीद कर नहीं पहने और कारों में नहीं घूमे, तो ऐसे प्यार की अब जरूरत रही क्या? ये सब छोड़ो ना भाई। ए, उपदेश मत दे, कोई आइडिया हो तो बता। तो फिर एक काम करो, तुम्हें पीलिया हो गया या चिकनगुनिया हो गया, ऐसा झूठ बोलकर लड़की को छोड़ देते हैं। झूठ बोलकर छोड़ना लड़कियों की पॉलिसी होती है, झूठ बोलकर उस लड़की को पाना वो है लड़कों की पॉलिसी। मैं उसे छोड़ने की बात कर रहा हूँ, तुम LIC पॉलिसी की बात कर रहे हो। हे, एक आइडिया, चलो एक हाथ रखो। क्यों रे? अरे हाथ रखो बोला ना। अरे बापे, मारने के लिए नहीं, दीवार पर रखने के लिए बोला। दीवार पे क्यों रे? तुम्हारा दरवाजे में दबा कर तोड़ डालूंगा। एक पड़ेगी ना मुंह पे। ऑलरेडी एक पड़ चुका है यार, जो बोल रहा हूँ वो करो ना। अगर लड़की चाहिए तो हाथ तोड़वाना होगा। अगर टूटा तो? तुम्हें बॉक्सिंग में जाने की जरूरत नहीं है, फाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी श्री तुम्हारे पास हमेशा बैठी रहेगी। मेरे पास तो एक ही सीधा हाथ है। मेरे पास 6-6 हाथ है क्या? रखो जल्दी। और कुछ नहीं है। तुम्हें हाथ चाहिए या श्री चाहिए? श्री चाहिए। तो हाथ रखो जल्दी।
हाथ दबने पर तुम चिल्लाओगे तो मुझे डर लगेगा, सेफ्टी के लिए, ठीक है ना? शांत रहना। अरे हाथ रखना। हे भगवान, रेडी है ना? वन 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 टू 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 टू। एक बार उस लड़की को याद कर लो। गोल, ओके, रेडी ना? रेडी रेडी रेडी, ओके रेडी। जान को तो कोई खतरा नहीं है ना डॉक्टर? आप तो घर पे भी इसमें झंडू बम लगा कर रह सकते थे, यहाँ क्यों आए? बाप रे, मेरा हाथ कैसे टूट गया? दरवाजे पर हाथ रखने से पहले मेरे हाथ पर हाथ रखा था ना? तू हाथ हटाना दे, इसीलिए रखा था। इसलिए तूने रखा तो मैंने हटा लिया। अरे बाप रे। एक्सक्यूज मी। यस राजू, माई राजू, बॉक्सिंग फाइनल्स में ये जीत जाए इसके लिए प्रेयर करोगी? यस श्योर। थैंक यू। आप राजू हो? जी हाँ। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। आपकी जीत के लिए ये प्रार्थना है। थैंक यू। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? बहुत अच्छी लड़की है। उसे खो मत देना। दिशुम, दिशुम। तुमसे एक बात कहनी है। मुझे भी तुमसे एक बात कहनी है। मुझे बॉक्सिंग सिखाओगे ना? हाँ पक्का, जरूर सिखाऊंगा। लेकिन इस फाइनल में से कोई एक भाग गया तो क्या होगा? क्या होगा? तुम जीतोगे, तुम तो चैंपियन हो ना? मैं ही भागने वाला हूँ। सपोज मैं बॉक्सर ही नहीं हूं, मुझे बॉक्सिंग का मतलब भी नहीं आता है, समझ लो। बस बस तुम्हारे करीब आने के लिए अगर ये झूठ निकला तो तुम क्या करोगी? क्या करूंगी? ऐसे ही आंखों से आंसू आएंगे, तुम पर चिल्लाऊंगी, तुम्हें पकड़कर धक्का दे दूंगी और फिर पापा के सामने जाकर याद करके रोऊंगी, कहूंगी कि मैंने एक से धोखा खाया। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, मैं जानती हूँ। तुम्हें प्यार का इजहार ठीक से करना आता नहीं है तो इतने झूठ कहाँ से बोलोगे? चलो हटो। दो मिनट बात करनी है। वो नहा रहे हैं। आपसे बात करनी है। ठीक है। मुझे बॉक्सिंग ही नहीं आती है सिस्टर। मैं अपनी श्री के लिए बॉक्सर की एक्टिंग कर रहा था। बेसिकली मैं एक आवारा हूं सिस्टर, काम धंधा नहीं, खाली घूमता रहता था। तब भी सड़क पर कोई भी झगड़ा करे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे। अब आपके हस्बैंड राजू जी के साथ मेरी फाइट है। इससे बड़ा जोक और क्या हो सकता है, बताइए? हार गया तो पक्का श्री मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि राजू जी के हाथों हारना मतलब मर जाना। मुझे पता है
मुझे जिंदा रहना है श्री के लिए। बस ये मैच वो अगर छोड़ दे तो श्री को मैं मिल जाऊंगा, अगर नहीं तो राजू जी के लिए एक और टाइटल। मुझे जान और जिंदगी दोनों चाहिए, प्लीज सिस्टर। राजू ये। हेलो सर। ए, लेट्स गो आउटसाइड। कौन है तू? बॉक्सिंग किसको कहते जानता है क्या? राजू राजू नाम एक दूसरे से मिल गया तो मुंह उठा के तू बॉक्सिंग के लिए चलाया। बट आई एम नॉट जस्ट राजू, किलर राजू। मार डालूंगा। बॉक्सिंग में दो मर्द लड़ते हैं ना, मर्द की तरह घर आकर औरतों के सामने रोते नहीं। ग्लव्स पहनने की औकात नहीं है तेरी, तू पीपल्स चैंपियन है क्या? और मैं तुझसे हार जाऊंगा सर। रिंग में मारने की बात कही है इसलिए मैं यहां छोड़ रहा हूं। मैच तक जिंदा रह ले, जा। एक बार सोच कर देखिए सर, मेरे जैसे बेकार इंसान को श्री जैसी परी लड़की दोबारा कभी नहीं मिलेगी सर। मैं बॉक्सर नहीं हूं, पता चलेगा तो श्री मुझे नहीं मिलेगी सर, प्लीज सर। तो फिर मुझे मार के दिखा। अगर वो आता तो मैं आपके पास रिक्वेस्ट करने क्यों आता? तू मार देता क्या? मैं नहीं कर सकता कह रहा हूं ना सर, बस इस बार छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज सर। ठीक है, तेरे लिए इस बार मैं टाइटल छोड़ रहा हूं, बस एक रात के लिए। अपनी शी को मेरे पास भेज देगा क्या? ओए। तू जैसे लो क्लास इंसान के लिए बॉक्सिंग इतनी चीप हो गई है ना, तू जैसे इंसान को गली का क्रिकेट, सड़क पर गिल्ली डंडे का खेल लगता है ना, जाकर वो खेल ले। ये इंटरनेशनल गेम है, स्टेडियम में तो क्या टीवी पर भी देखने की तेरी औकात नहीं है। ओए, गेट लॉस्ट। राजू प्लीज छोड़ो उसे। तुझे वो श्री चाहिए या टाइटल चाहिए, डिसाइड कर ले प्लीज। अगर सीधे रिंग में आया तो मरेगा। राजू प्लीज। सी यू इन द रिंग। प्लीज चलो। आई विल बी वेटिंग फॉर यू सर, प्लीज सर। ऐसे क्यों बैठे हो? मुझसे नहीं हो पाएगा यही तो बोलने गया था, उसके लिए जो मुंह में आएगा बोलेगा, भले ही अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन पराई औरत के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो संस्कार तो होंगे ही ना। हाँ मुझे बॉक्सिंग नहीं पता, लेकिन लेकिन रिंग में उस पर एक वार करना ही है। You will do it, my boy. दांत टूट जाने चाहिए उसके।
अरे उधर देख, किलर राजू के मामा जी बैठे हुए हैं। नमस्कार सर जी। गुड मॉर्निंग सर। ऐसे क्यों देख रहे हैं सर, हमें मारेंगे क्या? क्यों, तुम्हारा बंदा बॉक्सर है तो क्या हम डर जाएंगे? हैं? अपने राजू को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। फाइनल मैच में तो हमारा राजू ही जीतेगा, क्योंकि उसके पीछे हम सब लोग हैं। अरे यार, इनसे चाहे जो बोलो बेकार है, बेस्ट है। आज आधी रात को करीब 12 बजे बर्फीली बारिश होगी, तब भरोसा होगा। अपना सिर बचाने के लिए आप हेलमेट पहन लो। बाय बाय। आप लोग जो भी बोल रहे हैं वैसा सब होता जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बस मेरा भांजा जीतना चाहिए। कहीं अब मैं क्या करूं? वो हमें, मेरे सामने पैसा कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए तो रखता है। तो प्राइज मनी पूरे 5 करोड़ आप लोग ही ले लो। वो तो हमें राजू से भी मिल जाएगा। Say something different यार। तुम लोग उस भिखारी के पीछे थे इसलिए वो फाइनल तक आ पहुंचा है, लेकिन आप लोग तो भिखारी नहीं हो ना। मेरा राजू ही जीतना चाहिए। बोलिए कितना चाहिए? 1 करोड़ एक्स्ट्रा दोगे 5 करोड़ प्राइज मनी के अलावा। 1 करोड़ इस एग्रीमेंट पर जिसमें लिखा है कि आप हमारी तरफ को साइन करके पैसे ले जाओ। ये टाइटल मेरा राजू आपको ही डेडिकेट करेगा, एग्रीमेंट में लिखा है। नहीं यार, अगर हम मान गए तो अपना राजू हार जाएगा। वो हारे उससे हमें क्या, हमारे लिए पैसे जरूरी है। साइन हम उसके साथ है इसलिए वो बॉक्सर है, समझने की कोशिश करो। बहन की शादी के गहने गिरवी रखकर उस पर इन्वेस्ट किया है, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। 6 करोड़ रुपए हैं, कुछ मत सोचो, ले लेते हैं। उसके पीछे जाने से बेहतर कि हम लोग पीछे हट जाते हैं। तुम साइन करो। करो साइन, करो, कर दो, कर दो। अमर ज्योति हिंदी समाचार पत्र के आज पूरे 65 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कल उस समाचार पत्र का स्पेशल एडिशन निकाला जाएगा, ये खबर मिली है। और इसी के साथ किलर राजू फाइनल मैच में उनका सामना करने वाले राजू का लाइव मर्डर करते हुए दिखेंगे, उन्होंने ऐसी घोषणा की है। और इसी समय पर किलर राजू का सामना करने वाले पहले राउंड के बॉक्सर उनकी मार से घायल हुए थे, जिनका इलाज हो रहा था। बॉक्सर विजय ने आज प्रातःकाल 2 बजे हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इस मौत ने आज के होने वाले फाइनल मैच के लिए सोच का गंभीर विषय छोड़ दिया है। कहाँ जा रहा है तू, लाइए बैग मुझे दे। माँ, वो राक्षस है, सबको जान से मार रहा है। नहीं गया तो भी जिंदा लाश बन जाऊंगा ना। बैग मुझे दो। नहीं दूंगी, ये सब उस लड़की के लिए है ना। तू चाहे तो तेरे पापा और मैं जाकर उससे बात करेंगे, उसके हाथ पैर जोड़कर उसे मनाएंगे। तू नहीं जाएगा, तुझे मेरी कसम। आप इसे समझाते क्यों नहीं? जाने दो ना इसे, आवारा भटकता था, मैं सोचता था पता नहीं इसका क्या होगा, आज ये अपनी जिंदगी की तलाश में जा रहा है।
ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक्स पापा। अब जल्दी जाओ, कहीं मैं तुम्हें रुकने के लिए न भूल दूँ। चलता हूँ माँ। जीत कर वापस आना। राजू संभाल कर बेटा। फादर, आज भले ही राजू फाइनल मैच में ना जीत पाए, लेकिन उसका जिंदा रहना जरूरी है। वो देखो बेटी, वो सारे बच्चे राजू की जीत के लिए ही प्रे कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस हिम। आज की रात 8 बजे होने वाले फाइनल मैच देखने के लिए दर्शकों ने अभी से आना शुरू कर दिया है। सारे मीडिया वाले लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। इस विजयादशमी के दिन टूर्नामेंट फाइनल में राजू जीतेगा या किलर राजू जीतेगा, ये सोचने के बजाय राजू जिंदा बचेगा या नहीं, इस बात से सारे लोग टेंशन में। आइए जानते हैं जनता से उनकी राय। फर्स्ट मैच में हारने वाले की क्या हालत हुई है देखा ना, इसी चैनल में टेलीकास्ट हुआ था। राजू रुक जाओ, मैच में मत जाओ, तुम उसे नहीं मार सकते। श्री मानती है कि मैं बॉक्सर हूँ, मुझे जाना होगा। वो मार डालेगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये पागलपन है, इट्स ऑलमोस्ट सुसाइड। राजू 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 कोच, मैं जीत सकता हूं ना? राजू, हर इंसान में एक टैलेंट होता है और समय आने पर ही वो बाहर आता है। एक मुर्गी बस इतनी ऊंचाई तक उड़ सकती है, साइंटिफिकली भी ऐसा देखा गया है। लेकिन गिद्ध अगर उसके चूजों को उठाकर ले जाए तो वो नारियल के पेड़ की ऊंचाई तक उछलकर उसे भगा भगा कर मारती है। तुम मर जाओगे ये जानते हुए भी लड़ने आए हो ना? बस एक बॉक्सर के पास यही हिम्मत होनी चाहिए। तुझे मारना हो तो उसे तुम्हारे सामने आकर खड़ा होना पड़ेगा, और खड़े रहना है तो उसे भी मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। राजू, तुमने उसे पंच मारने की बात कही थी, आज मुझे वो देखना है। रहूंगी। ऑल द बेस्ट। गो माय बॉय, गेट हिम। उस दिन तुमने पब्लिक में चैलेंज किया था ना कि इसका मर्डर कर दोगे। नाउ गो किल हिम। आई विल। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट राउंड। आई एम गोना ब्रेक यू। Let's
Come on! कुछ हो गया तो इसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। राजू बॉक्सर नहीं है, कहीं उसकी सच्चाई जानकर तुम इसे छोड़ ना दो, इसीलिए फाइट कर रहा है। छोड़ दो राजू को, प्लीज। राजू, कम ऑन, गो। Stop! Raju! Raju, बस करो। Raju, बहुत हो चुका। मैं जानती हूँ Raju, तुम बॉक्सर नहीं हो। भगवान के लिए प्लीज फाइट बंद कर दो। Raju, वो तुम्हें मार डालेगा। प्लीज Raju, बाहर चलिए। फाइट बंद कर दो Raju। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत मस्त है, उसे अपनी बनाने का बहुत दिल कर रहा है। दिया कोच, मैंने उसे एक पंच मार दिया। एक नहीं, दो मारू। वो रिंग में जो तुम्हारे साथ करना चाहता था, तुम उसके साथ करके दिखाओ। ताड़
करो, राजू को छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए। तुम मेरे पास एक रात के लिए आ जाओ, फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। पर मैं जो छपा था, हम जिस टीम में रहेंगे वही टीम जीतेगी, फिर ये कैसे जीत गया? मतलब पेपर में छपी न्यूज झूठी निकली। कांग्रेचुलेशंस राजू। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। केलर राजू ने मीडिया में आकर धमकी दी थी कि आपको मार डालेंगे, तो फिर आप किस भरोसे के साथ आकर रिंग में फाइट करने चले आए? आपने अभी कहा ना, भरोसा। मेरी श्री ने मुझ पर जो भरोसा किया था, मैंने खुद पर भी कभी नहीं किया, लेकिन उसने किया, पूरी तरह किया। मैं जीतूंगा सोचकर मेरे लिए विसल बजाना भी सीख लिया। उसका भरोसा झूठा साबित ना हो इसलिए मैं रिंग में उतरा, उसके लिए ही फाइट की। आई लव यू श्री। देखो मैं जिंदा हूं, तुम्हारी वजह से मैं बॉक्सर बना। मेरे लिए एक बार विसल नहीं बजाओगे? बॉक्सिंग क्या होती है कुछ दिन पहले तक मैं खुद नहीं जानता था, सच बोलूं तो अब भी नहीं पता। फिर भी मुझ पर भरोसा करके इतने बड़े टूर्नामेंट में भेजकर जिताने वाले मेरे स्पॉन्सर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, किशोर, आनंद, सुदर्शन, पूजिता, कल्कि। मैं इन पांचों को ये टाइटल डेडिकेट करना चाहता हूं। हक तो इस प्राइज मनी पर भी उनका ही है, मुझ पर भरोसा जो किया, मुझे झेला, बेचारा बिना किसी स्वार्थ के बहुत परेशानियां झेली। मेहनत तुमने की और जीते भी तुम, हमें फ्रेंड्स कहा यही काफी है भाई, तुम ले लो, यू डिजर्व इट। थैंक्स भैया। सर एक पोस्ट।